अभिनेत्री कंगना रनौत के देश के खिलाफ बोले गए एक वक्तव्य पर संपूर्ण देश में बयानबाजी शुरू है। वहीं नागपुर में कांग्रेस के महाराष्ट्र सचिव ने भी पागलखाना अस्पताल के अधीक्षक को कंगना को भर्ती कराने का पत्र लिखा। पद्मश्री मिलने के बाद कंगना रनौत ने देश को आजाद भीख में मिलने की बात कही, जिस पर घमासान मचा है। इस बयान पर कई नेताओं ने आक्षेप किया। वहीं नागपुर में भी कांग्रेस के सचिव सलीम खान ने पागलखाना अस्पताल के अधीक्षक को पत्र लिखा और कहा कि कंगना रनौत की मानसिक हालत खराब रहने से उन्हें पागलखाना अस्पताल में भर्ती किया जाए। कंगना रनौत को जब यह जानकारी नहीं है कि 1947 के अंदर में देश आजाद हुआ और 2014 में आजादी की बात करती है, जो इससे पहले राष्ट्रपति के हाथों से जो सम्मानित हुआ और जो हमारे वही वीर शहीद जो हुए, उनका इसने बहुत बड़ा अपमान किया है। हम चाहते हैं कि देश के राष्ट्रपति ने इसका अवार्ड वापस लेना चाहिए। हम ऐसी मांग नहीं करते हैं और हम राष्ट्रपति कार्यालय से भी हम ये मांग नहीं करेंगे कि जिसके ऊपर में क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, इतने क्रिमिनल केसेस वालों को अगर राष्ट्रपति सम्मानित किया जाता है, इसके लिए हम जो है पूरे देश के वासियों के माध्यम से आज हम ये मांग नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी से कि इसका जो है जिस वक्त से इसको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया, इसका पद उसको वापस लिया जाए।